अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की वीडियो एक रैंडम वीडियो होने वाली है। तो ये हमारे कॉलेज में कल्चरल डे था जिसमें सारे बच्चे कल्चरली ड्रेसअप होकर आए हुए थे। काफ़ी अच्छा दिन गुजरा और दिन के एंड पे हमारी प्रिंसिपल ने हमें थोड़ी सी सिलाई वगैरह भी सिखाई। फिर नेक्स्ट डे जो था, मैं घर अकेली थी तो मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर रात को बैठ के मैंने सबके लिए गुड बाय वाले कार्ड्स बनाए। मेरा आर्ट वर्क अच्छा नहीं है पर मैंने कोशिश की कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में एक क्यूट सी मेमोरी कह लें कि डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ, ताकि हम लोग जब जाएँ, क्योंकि हमारा फेयरवेल वगैरह आने वाला है, तो फिर इसीलिए मैंने सबके लिए बनाए। और फिर शाम को मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था गोलगप्पे वगैरह खाने का, तो मैं बाहर गई और बाहर जाके मैंने अपने लिए गोलगप्पे लिए। और नेक्स्ट डे फिर हमारे कॉलेज में था जी करेक्टर डे। करेक्टर डे में सारे बच्चे डिफरेंटली ड्रेसअप होकर आए हुए थे। घर आके फिर मैंने बाबा को थोड़ा सा काम पे लगाया। तो असल में काम ये था कि जो हमारे टीचर्स के टाइटल्स थे फेयरवेल के लिए, ये फेयरवेल की तैयारियां हो रही थी, फेयरवेल के लिए जो टीचर्स के टाइटल्स थे वो हम सब बच्चों ने फ्रेम्स में जो है वो कस्टमाइज्ड फ्रेम्स में हम लोगों ने टीचर्स को दिए थे। 4x4 के हम लोगों ने फ्रेम्स बनवाए थे। ये फ्रेम्स भी बाबा ने ही ऑर्डर करके बनवाए हैं ऑर्डर पर, और ये फ्रेम्स हम लोगों ने बनवाए और इसके अंदर भी जो हमारे टाइटल्स थे वो प्रिंट किए और फिर लगा के टीचर्स को दिए। पहले बाबा ने फ्रेम्स लेकर आए बाबा, और फिर बाबा ने बैठ के सारे जो टाइटल्स हैं उनको 1x1 कट किया नीटली और उनके एजेस वगैरह काट के, और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो हमारे फ्रेम्स हैं उसके अंदर इसको फिक्स करके लगाया, ताकि एक प्रेजेंटेबल वे में हम लोग अपने टीचर्स को जो फ्रेम्स वगैरह हैं वो दे सकें। ये पीछे से ऐसे खुलने वाले फ्रेम्स थे और इस तरह इनको खोल के आराम से बाबा ने फिर इसके अंदर सेट करके, तो एक अच्छा सा फ्रेम बन गया जो हम लोगों ने फिर फेयरवेल पे दिया था। फेयरवेल का भी व्लॉग आगे आने वाला है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत मज़े का व्लॉग होगा और इमोशनल भी होगा। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स और डेली बेसिस पे थोड़ी सी कंसिस्टेंट हो जाऊँ व्लॉग वगैरह बनाने के लिए। तो जो लोग सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर लव, और जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, लाइक करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच, कीप शोइंग योर लव। सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।